स्टूडेंट्स आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश फॉर क्लास टू टूडे द डे इज थर्सडे एंड डेट इज़ एटीन मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड द टॉपिक इज़ यूनिट नंबर वन पार्ट टू द रेनबो जो कि एक पॉइम है स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रेनबो सेवन कलर से मिल बनती है और इसे हम उर्दू में कोसे कजा कहते हैं द टास्क वी हैव टू डू इज रीडिंग वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेज फॉर रीडिंग ओपन योर बुक द रेनबो बोट सेल ऑन द रिवर्स कश्तियाँ जो हैं वो दरियाओं पर चलती हैं एंड शिप सेल ऑन दीज और बहरी जहाज जो हैं वो समुन्द्रों पर चलते हैं बट क्लाउड सेट सेल एकर द स्काई लेकिन बादल जो हमें आसमान पर चलते हुए नजर आते हैं आर पी टी और देंदीस वो इन दोनों से ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं देर आर ब्रिजेज़ ऑन द रिवर्स हमें दरियाओं के ऊपर पुल दिखाई देते हैं जो कि गाड़ियों के गुजरने का रास्ता होते हैं एज पीटी एज यू प्लीज वो हमें बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं बट द बो दैट ब्रिज इज है लेकिन जो रेनबो हम देखते हैं एंड ओवर टॉप द ट्रीज जो कि हमें दरख्तों से ऊपर जाती हुई दिखाई देती है एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई और वो एक रास्ता बना देती है जमीन से लेके आसमान तक इस प्रीटियर फार दैन दीज और वो हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आती है एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई हमें ऐसा लगता है कि जैसे रेनबो के थ्रू एक रोड बन गया है ज़मीन से आसमान तक सो so स्टूडेंट आपने अच्छे से रीडिंग करनी है कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे पेज के टॉप पर आपने डेट एंड डे लिखनी है और मिड में सीट ऑट डब्ल्यू विथ कैलीग्राफी राइटिंग यूनिट नंबर वन द रेनबो पार्ट टू इन तीनों हेडिंग्स को आपने अंडरलाइन करना है मार्कर के साथ राइट द मीनिंग्स हम लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग आपके वर्ड्स मीनिंग इसी तरीके से आपके ब्लॉक में होना चाहिए वर्ड्स ओवर टॉप प्राइज ओवर द टॉप हेवन पैराडाइज सेल ट्रेवल ऑन वाटर स्टूडेंट्स आपका पूरा पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड सेंटेंसेज की तरफ नेक्स्ट पेज के मिड में, में हम सी और डब्ल्यू लिखेंगे मेक सेंटेंसेस और ब्लॉक के अंदर वर्ड सेंटेंसेस सेल शिप सेल ऑन सीज पोर्ट आई सा अ बोट रिवर द रिवर इज़ वाइट इसी तरीके से आपने ब्लॉग बनाना है वर्ड्स और सेंटेंसेज को लिखना है स्टूडेंट आपका कॉपी वर्क मस्ट आपने करना है विद नीट एंड क्लीन कैलीग्राफी राइटिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एज इट इज जो आपको शो कर रही हूँ मैं इसी तरीके से आपने काम करना है सो so, um, स्टूडेंट्स डू योर क्लास वर्क अकॉर्डिंग टू द कैलीग्राफी पैटर्न विद प्रॉपर मार्जिन लाइन डेट एंड डे आपको समझ आ गई होगी होप्स हो so, मेरी बात की हम नेक्स्ट चलते हैं वकेबलरी वर्ड्स की तरफ सो so, और फर्स्ट वकेबलरी वर्ड इज़ फॉक फोक मीन कांटा जो आप खाने के लिए यूज करते हैं जिससे हम खाना खाते हैं फ्लेम शोला एंड वर्ड इज पाम पाम मीन्स हथेली नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज मी मेहरबानी करके एंड और लास्ट वर्ड इज़ गार्बेज यानी कि कूड़ा क्रिकट सो स्टूडेंट योर डायरी इज़ यूनिट ऑफ वन द पोइम रेनबो अंडरलाइन फाइव डिफिकल्ट वर्ड्स एंड राइट देअर मीनिंग्स ऑन रफ रजिस्टर आपने पांच वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं वर्ड मीनिंग इज़ फॉर लर्न एंड मेक सेंटेंसेज इन ऑल वर्ड फ्रॉम क्लास वर्क वर्ड्स मीनिंग को आपने याद करना है और अपने अल्फाज में वर्ड सेंटेंसेज बनाने हैं एंड स्टूडेंट ड फॉर गेट वकीबलरी वर्ड्स इज़ आल्सो फॉर लर्न आपने वैकेबलरी वर्ड्स भी याद करने हैं लेट्स से छुट्टी की दुआव में सुबह नक अल्लाह उम् वमदा अशहद अल्ला अंता हस्ता फ़िरका व अतूबू स्टूडेंट्स स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड